सूर्य बकरा सूर्य नंबर 2 की आयत नंबर 285 और 286, 285 एंड 286 याद रखें। इसकी बड़ी फजीलत साबित है, बड़ी फजीलत। एक फजीलत इसकी तो ये साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानी सफर आपको कराया गया, जिसको हम क्या कहते हैं मेराज, तो मेराज में आपको जो तोहफे मिले, उन तोहफों में से एक तोहफा था नमाज 5 वक्त की, दूसरा तोहफा था ये 2 आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे दी गई बगैर फरिश्तों के। ये 2 आयतें वहां मिली थी आपको, कहां? मेराज में। ठीक, बहरहाल सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत याद रखिए। रात सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ने वाला हर आफत से महफूज रहता है। बुखारी की रिवायत है, अबू मसूद रजी अल्लाह फरमाते हैं और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने रात के वक्त सोने से पहले सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ली वो इसके लिए काफी होंगी, वो इसके लिए काफी हो जाएंगे। दूसरी रिवायत में फरमाया आपने, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जादू का असर खत्म करने की जबरदस्त तासीर रखती है। इसी तरह फरमाया, जिस घर में मुसलसिल 3 रातों तक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाए, शैतान इस घर से जो है भाग जाता है, उसके करीब नहीं आता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. देखिए आप कितनी अहम चीज है ना, तो इसको अपना मामूल बना ले, अपने अस्कार में शामिल कर ले हम लोग ये 2 आयतों को, और जो फिर मांगा जाता है इनके पढ़ने के बाद अल्लाह ताला वो रद्द नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है इसको बहुत कसरत से पढ़ा करते थे।